हेलो दोस्तों, मैं मुल्का सर एक क्विक अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ, वो है 12th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों, अपने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी अभी अभी लाइव आए थे, उन्होंने 12th एग्जाम के बारे में कुछ कहा और उन्होंने जो कुछ कहा वहां से तो एक बात क्लियर लग रही थी कि अपने महाराष्ट्र में जैसे कि 10th एग्जाम से रिलेटेड डिसीजन आया, वैसे ही कुछ डिसीजन 12th बोर्ड का भी आने वाला है। सर, ऐसे क्यों? उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर आप ये उनका अभी जो उन्होंने कहा ये बात सुनोगे तो आपके ध्यान में आएगी। उन्होंने क्या कहा पहले दहावीच्या परीक्षांच्या बाबतीत आपण निर्णय घेतलेला आहे की यावर्षी दहावीच्या परीक्षा न घेता त्याच्यासाठी सुद्धा आपण एक मूल्यांकन करून दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आपण त्याच्या प्रमाणे पास करणार आहोत। उनकी बातों में बहुत सारी हिंट हमको दिख रही है, कारण बारावीचा सुद्धा निर्णय घ्यावा लागेल। तर बारावीच्या बाबतीत सुद्धा आपण एक आढावा घेतो आहोत, त्याच्या बाबतीत सुद्धा एक पद्धत काय ठरवता येईल ती सुद्धा आपण ठरवून लवकरात लवकर हाही निर्णय आम्हाला मार्गदर्शन करायला पाहिजे। दहावीचा निर्णय आम्ही घेतला, बारावीचा पण आम्ही घेणार आहोत, पण तो निर्णय देशभर सारखा पाहिजे। नाहीतर एखाद्या राज्यामध्ये समजा ही परिस्थिती आटोक्यात असली तर तिकडे परीक्षा होते, एखाद्या राज्यामध्ये परिस्थिती आटोक्याच्या बाहेर असेल तर परीक्षा होणार नाही। विद्यार्थ्यांचं नेमकं भवितव्य काय, तर त्याच्यात सुद्धा एक समानता असली पाहिजे। ठीक आहे, काही वेळेला राज्यांच्या परिस्थितीनुसार, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आज सुद्धा आपल्या राज्यामध्ये काही जिल्ह्यामध्ये परिस्थिती कोविडची आपण काबूत आणलेली आहे, काही मात्र ठिकाणी थोडीशी अजूनही वाढते आहे, असं काही राज्यांमध्ये आहे। काही राज्यांची परिस्थिती चांगली आहे, काही राज्यांमध्ये अजूनही वाढते, काही राज्य तसे स्थिर आहेत। तर धोरण मात्र एक असायला पाहिजे आणि मी माननीय पंतप्रधानांना एकदा पुन्हा विनंती करणार आहे। पण त्याचबरोबरीने या गोष्टी ज्या आपण बघतो आहोत की साधारणतः लाटांमागून लाटा येत आहेत, मग काय करायचं? ऑफिसच्या बाबतीत जसं मी म्हटलं की वर्क फ्रॉम होम। यस दोस्तों, तो जो आप ये सुन रहे थे, क्या आपने समझा कि एक हिंट तो क्लियर दी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट शायद ये चाहता है या ऐसे कुछ सोच रहे हैं कि जैसे 12th के एग्जाम हो हुई कैंसिल, वैसे 10th की हुई वैसे 12th के एग्जाम भी हो, लेकिन कुछ बच्चे जिनको आउट ऑफ महाराष्ट्र जैसे कि अदर स्टेट में सीखने को जाना है, कुछ बच्चों को आउट ऑफ इंडिया जाना है और उनका कहना है कि अगर किसी स्टेट ने, चलो महाराष्ट्र में तो राइट कि कंडीशन अभी थोड़ा डिफिकल्ट है तो हम नहीं ले, लेकिन दूसरे स्टेट ने एग्जाम ले लिया 12th का, तो एक ही देश में एक स्टेट एग्जाम ले रहा है, एक स्टेट एग्जाम नहीं ले रहा है, तो फिर उनके एडमिशन पे कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा? यस और नो? तो ये बहुत ही लॉजिकल सवाल भी था, तो इसको लेके ही एक बड़ा डाउट है और इसको लेके ये भी समझ रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट शायद ही इस मतलब सोच में हो कि वो कैंसिल करे या कुछ और मेथड लेके आए, लेकिन उनको ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि बाकी के जो एक स्टेट करे वो पूरा इंडिया वही करे ताकि एक ना यूनिफॉर्मिटी हो, राइट? तो दोस्तों, ये एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए। आई होप आपको पूरा इंटरव्यू देखने की जरूरत नहीं है, पूरा उनका जो लाइव थे वो पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, जितना भी जो इंपॉर्टेंट था वो बात मैं आपके सामने लेके आया। अपने जो भी दोस्त हो गए, क्योंकि आपको कहा जाएगा कि सीएम का बड़ा अनाउंसमेंट 12वीं पे क्या था, कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक हिंट दिया जो मुझे लगा, इंटरप्रिटेशन मैंने आपके सामने रखा और मोटे तौर पर यही लग रहा है, राइट? तो इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन जो हम मान रहे थे, जो हमारे सोच थी, एक लॉजिक था वही कि मतलब उसी तरफ हम लोग जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये पे मैं रुकता हूं, और भी कुछ अपडेट रहे आपके लिए हम लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय